हाँ, तो आज हम लोग इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है कॉस्मोस पेंट स्ट्रिपर। इसका कोई रिव्यू है नहीं अभी तक यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा मैं कर दूँ इसका रिव्यू। मेरे पास ये साइलेंसर है और ये गाड़ी की टैंक है, जिसका मैंने सोचा है कि मैं इसको पेंट रिमूव करूँगा। और इसके लिए मैं छत पे आया हुआ हूँ अपनी, क्योंकि ज़रूरी है कि हवा का एक फ़्लो बना रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है आपके, अगर आपने इसको इनहेल कर लिया। इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, आई एम ऑलरेडी सफरिंग ऑफ इट। और देखते हैं कैसा वर्क कर पाता है ये। अब इसको यूज़ करने के लिए बेसिक प्रिकॉशंस चाहिए आपको, जैसे आप अपना मुंह जो है वो कवर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनहेलेशन नहीं करें आप इसके केमिकल्स का। और ये सर्जिकल ग्लव्स हैं जो कि यूजुअली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने हाथ प्रोटेक्ट कर पाएँ। That's it. Let's start. तो ये मैं एक लोकल स्टोर से लेके आया हूँ अपना ये स्प्रे। हाँ, मैं देख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने कवर ववर कर लिए हैं अपने हाथ, मैं अपने फेस को भी कवर कर लिया, हालांकि ये दिख नहीं पाएगा आपको। और इस पे MRP लिखी हुई है अराउंड 225, बट आई गॉट इट फॉर अराउंड 200 और 190 आई थिंक। और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी जैसे 15 मिनट हो गए हैं इसको लगाए हुए, और ऐसा कोई ख़ास फ़र्क तो दिख नहीं रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं। हाँ, यहाँ पे से थोड़ा निकल रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किया था, पर ऐसा जैसा रिज़ल्ट होना चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि जैसे एकदम पपड़ी बन के निकल जाएगा वो रिज़ल्ट तो नहीं आ पा रहा इस पर जैसा आना चाहिए था। अब इसको हम छोड़ते हैं जैसा भी था, जो भी था। अब लेट्स ट्राई इट ऑन। तो ये चीज़ इस पर तो काम नहीं कर पाई साइलेंसर पे, अब लेट्स ट्राई इट ऑन द टैंक ऑफ आवर बाइक, देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं इसके। बहुत ही सेटिस्फाइंग इफेक्ट आ रहा है इस पर, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है किसी सांप ने अपनी खाल उतार दी हो, या यू कैन कंपेयर इट टू द वेनम। कलर काफ़ी अच्छी तरह से उतर गया है, पर स्टिकर इससे नहीं हटा शायद, बाकी अभी साफ़ करेंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, पर आप लोग देख सकते हैं खाल की तरह हट गया है। अभी इस साइड अप्लाई नहीं किया गया है, तो इधर बिल्कुल वैसे इंटैक्ट है, और जहाँ अप्लाई किया है वहाँ से आप देखें कितना अच्छा अंदर से कलर आ रहा है, बिल्कुल मेटल शीट वाला कलर अंदर से आ रहा है। लेट्स सी इसको हटा के कैसा लग रहा है। ये ब्लैक कलर हट गया है, और यहाँ पे है अभी भी इंटैक्ट इस साइड, मैंने सोल्यूशन अभी डाला नहीं है, तो इट वर्क्स वेरी गुड रियली वेल। पर हाँ, स्टिकर्स नहीं हटे, हो सकता है उनको हाथ से हटाना पड़े, पर लेट सी, हो सकता है उन स्टिकर्स को हम रख ही लें वापस। है जिसको मैं कवर करने जा रहा हूँ उसी सोल्यूशन से, लेट सी क्या इस साइड। पूरा ये पेंट हट चुका है जितना हो सकता है, थोड़ा बहुत मैं और टाइम दूंगा इसको कि शायद हट जाए। बाकी इस टाइप का ब्रश या फिर मेटल का ब्रश जो होता है, जैसे कि ये है अपने पास एक, इससे हटा सकते हैं। इससे प्रॉब्लम ये है कि स्क्रैचेस आ जाएंगे, जो कि आप नहीं चाहेंगे कि अभी अच्छा लग रहा है टैंक उस पर स्क्रैचेज आएँ, तो प्रेफर ये वाला करें जो अपना नॉर्मल मैट साफ करने वाला ब्रश होता है, और इससे काफ़ी ईजिली हट जाएगा। अभी थोड़ा और टाइम दूंगा मैं इसको, एंड देन लेट्स सी
कि फाइनली टैंक कैसा निकल के आता है। रिजल्ट ये रहा है अभी, जिसको मैंने सिर्फ ब्रश से हटाया है, अभी कोई सैंड पेपर या कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर मैंने डाला नहीं था क्योंकि यहाँ वो प्लास्टिक लगा था जो सीट से कवर करता है, तो यहाँ का अभी कलर रह गया है, वो अभी नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। इधर थोड़ा बहुत सैंड पेपर से करेंगे तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी आई थिंक सो, और अच्छा लग रहा है काफ़ी ये चीज़। मे बी आई लीव इट एज इट इज़, जो कि मैं स्क्रैम्बलर बनाने की सोच रहा हूँ उसकी भी वीडियो इवेंचुअली आएगी आप लोगों के पास। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये पूरा कलर आप देख सकते हैं, और ये है वो कलर जो पूरा निकला है अलॉन्ग विद स्टिकर्स भी थोड़ी देर लगी और फिर अपने आप स्टिकर्स भी निकलने लगे, थोड़ा खींचना पड़ा लेकिन स्टिकर्स भी आसानी से निकल गए थे। तो फाइनल रिज़ल्ट ये रहा, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि ये रस्ट थोड़ा नहीं निकल पाया, ये रह गया है, बट आई विल डू समथिंग एल्स फॉर इट, उसका भी एक रिव्यू बन जाएगा। और ये देखिए आप, बिल्कुल एकदम पास से काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसा कि मैंने पहले दिखाया था कि ये साइलेंसर पे तो काम नहीं किया, हो सकता है वो पेंट कुछ और यूज़ हुआ हो, पर ये जो पेंट था टंकी के ऊपर जो नॉर्मल टैंक्स के ऊपर अपना किया जाता है, ये इसके ऊपर काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा और बिल्कुल अच्छे से सब कुछ निकल आया। और ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं, मैंने इस ब्रश को भी यूज़ नहीं किया है अभी तक क्योंकि और स्क्रैचेस पड़ते और मुझे शायद यही पेंट रखना है अपनी गाड़ी पे। और जैसे अभी ये एक एक दो दो पीसेस जैसे ये दिख रहे हैं आपको बच गए, तो इसमें मैंने हल्का सा कलर कर दिया है तो ये भी सब हट जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और बिल्कुल यू कैन बाय दिस एंड दिस विल हेल्प रिमूव एवरीथिंग, सब कुछ ये रिमूव करवा देगा आपका पेंट वेंट, अगर आपको कहीं भी स्ट्रिप करना है पेंट किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट पे, आई थिंक सो इट विल वर्क गुड। काफ़ी अच्छा है, 180-200 के रेंज में बहुत अच्छी चीज़ है ये, और काफ़ी अच्छा, मतलब आई वुड रेट इट 4 out of 5। हाँ, एक बार में सब कुछ नहीं हो पाया और कुछ पेंट्स नहीं निकल पाए, जैसे साइलेंसर का पेंट नहीं निकला, तो ठीक है उसकी भी एक आध परत निकल गई थी शुरू की, पर उसके बाद वो काम नहीं कर पाया तो मैंने और ज़्यादा कोर्स करे भी नहीं देखने के लिए क्या रिज़ल्ट रहता है। इतना काफ़ी था, अब लेट्स सी। ये तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है मुझको, और मैं शायद यही कलर रखूँगा अपनी गाड़ी का क्योंकि बहुत अच्छा निकला है ये कलर, अंदर अच्छा कलर निकल के आया है। और फाइनल वर्डिक्ट, दिस वर्क्स, थैंक यू।